आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अमूल ब्रांड जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स बनाता है, और अमूल ब्रांड हम सब जानते हैं कि किस तरह से अपनी ब्रांड वैल्यू जो है वो लोगों के बीच में बना चुका है कई सालों से। तो अमूल ब्रांड ने क्या किया है कि इस साल नए साल के मौके पर फ्रेंचाइजी का बहुत ही एक अच्छा ऑफ़र निकाला है। क्या है ये ऑफ़र, आप कैसे इस आइडिया को, आप कैसे इस मौके को ग्रास्प कर सकते हैं, ये हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना देर के आपको बताते हैं कि कैसे आप अमूल के साथ जुड़कर कम निवेश के साथ ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कैसी आपको जगह चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हैं, फ्रेंचाइजी किस तरह की अमूल जो है वो ऑफर कर रहा है, तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में देखिए। 2 लाख से शुरू कर सकते हैं बिजनेस, अमूल बिना किसी रॉयल्टी या प्रॉफिट शेयरिंग के फ्रेंचाइजी ऑफर कर रही है। यही नहीं, अमूल की फ्रेंचाइजी लेने का खर्च भी बहुत ज्यादा नहीं है। आप 2 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक खर्च करके अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। कारोबार की शुरुआत में ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। फ्रेंचाइजी के जरिए हर महीने लगभग 5 से 10 लाख रुपए की बिक्री हो सकती है, हालांकि ये जगह पर भी निर्भर करता है। कैसे लेनी होगी फ्रेंचाइजी, अमूल 2 तरह की फ्रेंचाइजी ऑफर कर रहा है। पहली अमूल आउटलेट, अमूल रेलवे पार्लर या अमूल क्योसेक की फ्रेंचाइजी, और दूसरी अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर की फ्रेंचाइजी। अगर आप पहली वाली में निवेश करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए निवेश करने होंगे। वहीं अगर दूसरी फ्रेंचाइजी लेने की सोच रहे हैं तो 5 लाख का निवेश होगा। इसमें नॉन रिफंडेबल ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पर 25 से 50 हजार रुपए देने होंगे। इतना मिलता है कमीशन। अमूल आउटलेट लेने पर कंपनी अमूल प्रोडक्ट्स के मिनिमम सेलिंग प्राइस यानी MRP पर कमीशन देता है। इसमें एक मिल्क पाउच पर 2.5% मिल्क प्रोडक्ट्स पर 10% और आइसक्रीम पर 20% कमीशन मिलता है। अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर की फ्रेंचाइजी लेने पर रेसिपी बेस्ड आइसक्रीम, शेक, पिज्जा, सैंडविच, हॉट चॉकलेट ड्रिंक पर 50% कमीशन मिलता है। वहीं प्री पैक्ड आइसक्रीम पर 20% और अमूल प्रोडक्ट्स पर कंपनी 10% कमीशन देती है। पड़ेगी इतनी जगह की जरूरत, अगर आप अमूल आउटलेट लेते हैं तो आपके पास 150 वर्ग फीट जगह होनी चाहिए। वहीं अमूल आइसक्रीम पार्लर की फ्रेंचाइजी के लिए कम से कम 300 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए। कैसे करें अप्लाई, अगर आप फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको retail@amool.co पर मेल करना होगा। इसके अलावा आप इस लिंक पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं, बाकी के लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए हैं। तो देखा आपने कि कैसे अमूल के साथ जुड़कर, जो कि एक अच्छा ब्रांड है और उसकी ब्रांड वैल्यू हम सबको पता है कि कितनी ज़्यादा है, तो ऐसे में अमूल के साथ कम से कम विश्वसनीयता वाली जो बात है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आप इस फ्रेंचाइजी को खोलकर मुनाफा कमा सकते हैं, कम निवेश के साथ आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि अगर आप फ्रेंचाइजी ले लेते हैं ना तो जो स्कोप है अमूल के साथ नुकसान का वो तो बहुत कम है। तो बाकी आप मेहनत कीजिए, ईमानदारी से अपना काम कीजिए, और हम आपकी मदद के लिए हमेशा यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके लिए वीडियोस बना के हम आपको वो तमाम चीजों से अपडेट कराते रहेंगे। नमस्कार। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।